नमस्कार, मैं हूँ सानिया राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हम लोग दीघा बीच पर हैं और मोटर बोट की सवारी कर रहे हैं। यहाँ पे जेट अटैक भी है और कई तरह के जो बोट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, और यहाँ पे जो ऑनर हैं वो जरा हमसे बताएंगे कि एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है। अच्छा, उनसे पहले जरा ये जो बोट चालक है इनसे बातचीत करते हैं कि ये आखिर कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे मौजूद महसूस करते हैं, क्योंकि काफी सारे जो लोग हैं पर्यटक हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं, तो कैसा फील करते हैं सर? हमको तो अच्छा लगता है, पब्लिक को घुमा रहे हैं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे अच्छे पब्लिक आते हैं तो बोलते हैं सर आपके जैसा चला रहे हैं जो कोई नहीं लगता है चलाता है। अच्छा, तो और डर वर लगता है क्या यहाँ पे? ना, ऐसा कुछ बात नहीं है, सर सिल्वर भी है ये। कौन से इसमें आपके पास? ये वो 94 तक हम खेले हैं, 94 के पहले तक खेले हैं। जी जी, यहाँ पे अगर कोई बाई चांस ऐसा हो ना, लेकिन अगर कोई गिर जाता है तो आप लोग? हाँ हाँ, वो रिकवर हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। आप ये पहने हुए हैं लाइफ जैकेट? कोई गिर भी गया बंदा तो उसको रिकवर हम लोग कर लेंगे तुरंत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पहले ना नॉर्मल बोट चला करती थी तो उसको बंद करवा दिया गया है। उनका कहना है कि आप लोगों ने ऐसा बंद करवाया है। नहीं, नहीं, हम लोगों ने वैसा बंद नहीं, नॉर्मल बोट में सेफ्टी नहीं था, इस कारण बोट बहुत सारा घटना हो जाती थी, वो लोग ऐसे ही चलाते रहते थे। हम लोग सेफ्टी के व्यू से ही चलते हैं, हमारे किसी भी बोट में देखिएगा बिना ये पहने हुए कोई नहीं बैठेगा, या इवन की ड्राइवर साहब भी पहन के बैठते हैं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि किसी को डर लगा हो या फिर यहाँ से गिरने वाला कोई चांस बना? देखिए, डर तो सब लोगों को लगता है, लेकिन जब एक बार घुमा देते हैं लोगों को तो डर निकल जाता है। आप बताइए, आप कैसा फील कर रही हैं? मैं तो काफी सुरक्षित फील कर रही हूँ, वैसे कभी लगा नहीं था कि हाँ मैं भी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली वाटर फियर है थोड़ा। अच्छा। लेकिन फिर भी आज मैं ऐसे घूम रही हूँ और निफिक्र होकर घूम रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ नेशनल स्विमर है यहाँ पे। अगर गिरती भी हूँ, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर गिरती हूँ तो ये बचा लेंगे, ये चीज का मुझे सुरक्षा है कि हाँ यहाँ पे मौजूद है बचाने वाले। और देख सकते हैं कि दूसरी बोट भी चल रही है, उनका रिएक्शन जरा आप देखिए, काफी इंजॉय कर रहे हैं। और बस थोड़ा सा संभल के इंजॉय करें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है वैसे तो। लेकिन काफी मजा आ रहा है, क्योंकि गंगा माँ है, गंगा माँ की गोद में अगर हम लोग यहाँ पे राइड कर रहे हैं तो भाई डर का तो वैसे भी कोई है ही नहीं नजारा, लेकिन फिर भी सबको कहा जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है अभी? बढ़िया 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 लग रहा है। जी, यहाँ पे जो लोग आते हैं तो उन लोगों का कुछ अच्छा, स्पेशल अच्छा है? अच्छा व्यू देते हैं। अच्छा व्यू देते हैं जी। और बढ़ोतरी हो रही है लोगों के आने में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस? हमारे ऑडियंस के लिए बोलना है कि और लोग आए, मजा लें, समझिए मिनी गोवा है, गोवा नहीं कहिए, मिनी गोवा कहिए, मिनी गोवा का आनंद लेने के लिए आए। और यहाँ पे हम लोग अच्छे से मजा कराने का कोशिश करते हैं लोगों को। अच्छा, गोवा में भी थे क्या? नहीं, हम मांदरमनी कलकत्ता, वहाँ पे हम थे। वहाँ से यहाँ के लोग ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कि वहाँ के लोग? हमारे यहाँ के अच्छे लग रहे हैं, हम बिहार के ही रहने वाले हैं, पटना के। यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया तो काफी खुशी मिल रही होगी कि रोजगार भी बढ़ा और साथ में काम भी घर के पास, देखिए काम भी जो है कि घर के पास आ गया है, और घर में फैमिली को भी देख लेना है और काम भी हो रहा है। तो आपने सुना कि यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा है, काफी मजा आ रहा है, क्योंकि मैं भी आज इस राइड में इंजॉय कर रही हूँ और इन लोगों से बात किया, काफी इंजॉयफुल है ये मोमेंट। और आप आराम से बैठिए, वैसे तो काफी इंजॉयफुल है ये मोमेंट, और थोड़ा सा डर लगा जब ये स्पीड हुआ बोट, लेकिन हाँ इंजॉय करने में के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और पटना में सबसे बड़ा ऑप्शन अभी मिल गया है, क्योंकि पटना में पहले कुछ देखने को नहीं मिलता था, लोग सोचते थे कि कहाँ जाएं, कुछ है नहीं, लेकिन अब ये ऑप्शन मिल गया है, आकर्षण का केंद्र बन गया है और लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।